शुरू करते हैं आपका ये टीसीएफ के साथ सफर कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम। टीसीएफ मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। अपने करियर का आगाज वैसे टीचर किया था, नया नया बीकॉम किया था, मास्टर्स में एडमिशन लिया था। टीचर बनने का बचपन ही से शौक था। अप्लाई किया, प्रिंसिपल ने कॉल किया और पूछा कि आप कहाँ रहती हैं। मैंने बताया कि गुलशन इकबाल में रहती हूँ। अगले दिन वैन आई, वैन ने मुझे पिक किया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कन्वेंस की फैसिलिटी थी। अचानक गाड़ी मेन रोड से गलियों में दाखिल होना शुरू हो गई। गलियाँ, कच्ची गलियाँ जो मैंने कभी इससे पहले नहीं देखी थी। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ आने लगा कि मैं स्कूल ही जा रही हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो मेरा टीचिंग का सारा जॉब आज ही पूरा हो जाए। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि वैन ने हॉर्न दिया एक बड़े से दरवाजे के आगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, क्या देखती हूँ, एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पे हरे भरे पौधे लगे हैं, खूबसूरत कुशादा इमारत है। वो इमारत उस आबादी में एक जन्नत का सा लुक दे रही थी। प्रिंसिपल ने मेरा डेमो लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगले दिन मैं हेड ऑफिस गई, मेरा टेस्ट इंटरव्यू हुआ और टीसीएफ समीसो बोर्ड में एज ए टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया। आपको स्कूल में कितना अच्छा है? टीचिंग तो मैंने तकरीबन 4.5 साल की है, लेकिन जब मुझे 2.5-3 साल हुए थे तो मुझे शौक हुआ कि अब मुझे प्रिंसिपल बनना चाहिए और एक स्कूल चलाना चाहिए। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 1.5 साल बाद मेरा फिर प्रमोशन हो गया और मैं टीसीएफ उमर बेंगल बोर्ड में, जो कि मंगोपीर में है, वहाँ बहसे प्रिंसिपल काम के लिए गई। प्रिंसिपल आपने क्या चाहिए थी? जब मैं उमर बेंगल गई तो उमर बेंगल का नाम मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत सुना था कि कोई बहुत मुश्किल स्कूल है जहाँ पे कोई प्रिंसिपल बहुत अरसे तक रहती नहीं है। जब स्कूल गई 2-3 दिन तो बहुत खुशगवार और पुरसकून गुजरे। सोचा कि पता नहीं क्यों लोग उस स्कूल के बारे में इतनी अफवाह फैलाते हैं। उसके बाद मेरी एनुअल ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग के लिए गई, जब वापस लौटी तो न्यू टर्म के लिए मुझे एडमिशन लेने थे। जब मैंने दाखिले शुरू किए, केजी में हम एडमिशन ले रहे होते हैं क्योंकि टीसीएफ की पॉलिसी है कि केजी में एडमिशन लेते वक्त हमें कोई टेस्ट नहीं लेना होता, तो मैंने पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर एडमिशन लेना शुरू कर दिया। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, एक साहब बहुत गुस्से में, जिनके साथ 3-4 लड़के थे, उनके हाथ में भारी असला था और उन साहब के हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने वो पिस्टल मेरी मेज़ पर रखा और बहुत गुस्से में पूछा, प्रिंसिपल कौन है यहाँ की? डर तो मैं गई थी क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी और बेइंतहा डरपोक हूँ, पर उस वक्त मैंने दिल में सोचा, बेटा गुरत, आज आप घर की छोटी बेटी नहीं बल्कि एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मैंने दिल में कलमा पढ़ा और सोचा, आज या तो आर या पास। और बहुत धीमी आवाज़ में मैंने कहा, आप बैठे, तशरीफ़ रखें, मैं हूँ प्रिंसिपल। और खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे सामने एक मेज है क्योंकि मेरे हाथ पांव बहुत बुरी तरह कपकपा रहे थे। वो साहब बैठे और उन्होंने कहा, बीबी मैंने सुना है आप अपने जानने वाले बच्चों को दाखिला दे रही हैं। मैंने कहा, सर देखें, आप तो मेरे भाइयों की तरह हैं, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरे यहाँ पे कौन से जानने वाले बच्चे हैं, मैं तो बहुत दूर से आती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा करें, आप कल दोबारा आ जाएं हमारे स्कूल और अपनी कम्युनिटी में अनाउंस कर दें कि हम एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं जिसमें हम बेसिक 1-2 और अलीफ बे पे लिखवाएंगे। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में अनाउंस किया और एग्री कर लिया कि ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। अगले दिन वो साहब खुद भी तशरीफ़ लाए, उनके हमरा हुई जो उनके गार्ड्स थे वो भी आए और तकरीबन 255 बच्चे टेस्ट के लिए आए। टेस्ट पेपर तो मैं बना चुकी थी, मैंने बच्चों को टेस्ट दिया, एडमिशन कंडक्ट करवाए। तकरीबन हमने उसमें से 65 बच्चों को सेलेक्ट किया और लिस्ट तैयार की। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब ये लिस्ट जो बाहर पेरेंट्स का रश है उनके सामने आप ही दिखा दें। तो उन्होंने अपने गार्ड्स को भेजा और जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी और एनआईटी में लिस्टें लगती हैं, उन्होंने वो लिस्ट बाहर पेरेंट्स को दिखा दी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उससे मुझसे पहले जो कम्युनिटी का प्रेशर प्रिंसिपल तक आता था, स्कूल के बाहर पथराव होता था, फायरिंग होती थी, शीशे तोड़ दिए जाते थे, वो मुझ तक नहीं आया, बल्कि वो प्रेशर उन्होंने खुद बेर किया और लोगों को बताया कि टीसीएफ का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बल्कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 साल बाद मेरा प्रमोशन हो गया था, असिस्टेंट मैनेजर एजुकेशन था बेनिया में।
हब एरिया के बारे में बताइए कि कैसा एरिया है। हब एरिया की अगर बात करें तो शुरू के चंद साल जब मेरा प्रमोशन हुआ था, हब कुछ सियासी बहरान का शिकार रहा और हमारे स्कूल के बाहर बम धमाका भी हुआ, लेकिन चूंकि आदत हो गई थी ब्रिस्टल की तो बम धमाका कोई अहमियत नहीं रखता था, वो तो फिर एक झटके में ही मरना होता है। तो जहाँ तक मुश्किल की बात है, जो हब एरिया की सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो ये थी कि हमें टीचर नहीं मिलते थे, तो ये सोचकर बड़ी परेशानी हुई कि अगर टीचर नहीं मिलेंगे तो बच्चों की तालीम, जो हमारा विजन भी है मेयारी तालीम, उसका उसूल कैसे मुमकिन होगा। फिर ख़वातीन की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कि पर्स की दुकान पर, जूतों की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर लिखकर लगाया जाए। फिर हमने एक इश्तहार बनाया और जूतों की दुकान पर, पर्स की दुकान पर लिखकर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि हमें टीचर मिलना शुरू हुआ, और उस वक्त तक हमारी अपनी ही बच्चियां पास आउट होकर निकलने लगी, तो हमने अपने ही बच्चों को भी हायर करना शुरू किया। आज हब एरिया में 60 बच्चियां हमारी अपनी ही हैं जो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रही हैं। टीचर मिलने शुरू हुए बल्कि हब एरिया के जो रिज़ल्ट 32% बच्चों का रिज़ल्ट था वो आज 32% से बढ़कर 47 पर आ गया, और टीचर की अपनी जो कंटेंट नॉलेज का जो रिज़ल्ट था वो 51% से बढ़कर 70% पर आ गया, और हमारे बोर्ड रिज़ल्ट 100% पास परसेंटेज और 2% ए और ए प्लस से इंक्रीज होकर 51% ए और ए प्लस पर आ गया। और हमारे ही एरिया के एक बच्चे को IBA सखर में 60 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी अपना करम करे और आपके रिजल्ट्स ऐसे ही बेहतर होते रहे इंशाल्लाह। तुरंत ने बात की हमारी अपनी बच्चियों की, सॉरी कुछ कहना चाहती हूँ लास्ट में। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी जो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, जब मैंने TCF ज्वाइन किया था और TCF ने मुझे वो इलाके दिखाए जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे, और TCF उन बच्चों को मेयारी तालीम दे रहा है जिन बच्चों के पास 3 वक्त खाने के लिए खाना भी नहीं है। TCF उन बच्चों को वो तालीम दे रहा है जो हमारे बच्चे 5-6 हज़ार रुपये दे के हासिल करते हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला TCF को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ताकि पाकिस्तान के 2,26,00,000 बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते वो भी स्कूल जा सकें। तुरंत ने जो सुनने पहले हमारी अपने बच्चों की बात की, तो आज 12,000 में से 500 टीचर्स ऐसी हैं जो कि हमारे अपने स्कूल की पढ़ी हुई हैं।